चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो इसमें अभी तक हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में। किसका? भोजन के घटक। याद रखिए एनसीईआरटी से संबंधित आपके जितने भी लेक्चर हैं वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी जो प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। भोजन के घटक। अध्याय एक में हमने क्या पढ़ा? उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में भी अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। जिस भौगोलिक स्थिति में आप रहते हैं उसी की तरह उसी के अनुसार आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बड़ा बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए हुए, ठीक है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता क्या है आखिर? पंजाब, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार। पंजाब में आपकी मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, अन्य व्यंजन में दही और घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल या रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूपांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों की परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परकनेलियों की एक डॉपर की भी आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त विच्छेदों को सारणी 2.2 में दर्शाना है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक हो तो विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं।
यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका मतलब आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदी बूंदे टेंचर आयोडीन को मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। मंड के परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या है नीला या काला हो गया है? या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि इसमें मंड किसमें मंड है अपनी। ठीक, यहां समझाने की एक कोशिश की गई है कि किसी पदार्थ में कोई अगर खास पदार्थ है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं आपकी, और इनकी पहचान क्या है। आखिर इन्हीं शब्दों को समझाया जा रहा है। अब जैसे कि आपका प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसमें चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब डॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। परख नली बैगनी रंग का हो गया है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। समझ में आए कि बैगनी रंग जो होता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे इसी तरह आपका वसा के लिए परीक्षण दिया गया है। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रहे कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के विकास के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला विकास दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। समझ में आया? अगर पदार्थ में तेल का तेल है तो उसमें वसा की उपस्थिति को वो दर्शाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि पदार्थ में से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हमने देखा है कि पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जो पोषक तत्व हैं ये हमारे लिए आखिर करते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त करती है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी हमारे ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यह आपका शकरकंद है, ये आपका आलू है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, ये आलू है, गन्ना है आपका, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, ठीक है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तेल की बात करें तो मूंगफली, गिर और तिल से हमें तेल, सरसों। मांस की बात करें तो ये मांस है, मछली, दूध,
मक्खन वसा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये है आपके विटामिन के कुछ स्रोत। प्रोटीन, ये आपके प्रोटीन के स्रोत हैं, मूंग हो, फिर चाहे चना हो, आपका तुअर हो, राजमा हो, सोयाबीन हो, मटर हो, है? मांस हो, मछली हो, पनीर हो, अंडे हो। तेल की बात करें तो आम, पपीता, विटामिन, सॉरी विटामिन आपको आम से भी मिलता है, गाजर से, पपीता से। ठीक है, और अब हम विटामिन बी की बात करें, विटामिन ए आम, गाजर, पपीता से मिलता है। ठीक है, विटामिन जो बी है यह हमें गेहूं, यकृत, चावल से मिलता है। विटामिन सी है जो आपका संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबी, नींबू, आंवला में होता है। सबसे ज्यादा विटामिन आपका आंवला में होता है। विटामिन डी की बात करें तो ये अंडे में होता है और मछली में। ठीक है, मक्खन दूध में होती है। विटामिन सी का सबसे ज्यादा स्रोत हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है? सूर्य से प्राप्त होता है। वसा प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रयास शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन वैसे कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन सी। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आयोडीन से, ये आपका स्रोत है आयोडीन की। ठीक है, अदरक हो, फिर चाहे पालक हो, हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दोनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। लोहे के कुछ स्रोत हैं, ठीक है, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रोगक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रोगक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रोगक्षांश के मुख्य भोजन, मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रोगक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रोगक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता भी करते हैं। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। ठीक है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें,
क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा समय करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी फल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें डाल देते हैं पानी। ठीक है, बात करते हैं संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं इसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं हम लोग। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलन आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें से सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन, जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सा रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलन आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी जरूरी होता है। पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यह संभव है कि उसमें उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुजुर्गों ने पूछा कि हम हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि पिचुर वसा युक्त भोजन ही खाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ज्यादा वसादार भोजन से अत्यधिक मोटापे का कारण भी बनता है। ठीक है, याद रखिए। अभाव जन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी अवशेष किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। बे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग कवड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हों तो उनमें
उसकी बुद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होता है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतने अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। विटामिन एवं खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। विटामिन ए, इसकी कमी से चिड़ता, दृष्टिहीनता होती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से गहंगा रोग होता है, ग्वाइटर भी कहते हैं इसे, गर्दन की जो ग्रंथि का होती है वो फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है, कमजोरी आती है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा, संतुलित आहार के बारे में भी जाना है, वेरी वेरी रोग के कार्बोहाइड्रेट को भी देखा है, ऊर्जा को देखा है, वसा को देखा है, खनिज पदार्थों को देखा है, पोषक तत्वों को देखा है, प्रोटीन को भी देखा है, रुक्षांश को देखा है, स्कर्वी को देखा है, मंड को देखा है और विटामिन को भी देखा है। ठीक है, इसका सारांश है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए किया जाता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। फिर से यही बोलूंगा मैं तो, कि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कैसे, क्योंकि आप लोग नॉर्मल है वो समझ में आ जाता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप या तो कहीं से डाउनलोड करके या फिर कहीं से खरीद के बुक्स एक बार नॉर्मल पढ़ लीजिए या एक आध बार सुन लीजिए, एक दो बार अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कक्षा 8वीं तक की जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। इनसे डायरेक्ट कोई आईएएस में आने वाला नहीं है ना पीसीएस में। जो 9 से 12 होती हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वहाँ जो भी समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा और आप भी समझ जाएंगे। ठीक, ये आपकी अभ्यास के लिए क्वेश्चन हैं, देखते रहिए। और आपकी टेलीग्राम पर डाल दी मैंने पीडीएफ, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर, आगे बात करेंगे तंतु से वस्त्र तक। ठीक।